नमस्ते नमस्ते बेटा, 3 राउंड घंटी बज गए, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? ऑब्वियसली यू ऑलरेडी नो द गेस्ट इज इन दिस एपिसोड फ्रॉम द क्लिप आई जस्ट प्लेड और द थंबनेल और द टाइटल. इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैबोरेशन आई हैव एवर डन इन माय लाइफ. बिफोर आई से एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू गजराज सर. सर, इफ यू आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. इट मीन्स अ लॉट टू मी. फॉर पीपल हु माइट नॉट नो हिम, इज अ पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर. इज रिसेंटली डन 2 big hits in Bollywood. One is Badaiyo and Shubh Mangal Sawdhan. He's also part of several other Bollywood movies. He's also known, very well known in digital media space, especially in YouTube space. He's done a couple of web series. He's been in lots and lots of videos and comedy sketches. आज का video पूरा हिंदी में होने वाला है. मैंने उनके बहुत सारे interviews देखे हैं और सारे interviews जो मैंने देखे हैं वो focus थे उनके movies के बारे में, उनके टीवी शोज के बारे में. तो मुझे वो चीज़ जाननी नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी थी. मैंने जो फोकस किया उनकी लाइफ की जर्नी पे फोकस किया कि कैसे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं और कैसे वो एक्टर बने. जो उन्होंने सपना सोचा था वो कैसे सोचा, कैसे कितना हार्डवर्क किया उन्होंने. और ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट नेक्स्ट संडे को आएगा. आई होप यू एन्जॉय दिस कॉन्वर्जेशन एंड नाउ. थैंक यू सर फॉर डूइंग दिस. बहुत बड़ा फैन हूँ आपका. थैंक यू यूरी. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. हाउ डिड दिस ऑल हैपन? क्योंकि जो आपके एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि यू सेड कि डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द जर्नी इज इम्पॉर्टेंट. तो दैट इज वॉट आई बिलीव एंड आई वॉन्ट टू नो योर जर्नी. ओके, तो मेरा जो बचपन बीता ना यूडी, बहुत ऐसा बहुत सारे फैसिलिटीज के साथ नहीं था. बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ मैं और उसमें बहुत ज्यादा इसको क्या बोले, बहुत मेमोरेबल बचपन नहीं है उस तरह से कि बहुत सारे हैपनिंग्स नहीं हुए, बहुत सारे ऐसे यादगार घटनाएं नहीं है. बहुत रूटीन, बहुत सिंपल लिविंग था कि भैया अपना बेसिक सर्वाइवल जैसा होता है. एंड कभी एक्टिंग के बारे में सोचा भी नहीं था. लेकिन अब जिस बैकग्राउंड से था वहां पे क्या जॉब करूंगा, कैसे होगा, पेरेंट्स का अपना वो सरल लोग हैं बहुत ही, तो उनका बहुत सारे ऐसे डिजायर थे कि मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं. लेकिन क्या प्रोसेस क्या होगा उसके अंदर, कितना खर्चा होता है ये हायर एजुकेशन का, वो उनको आइडिया नहीं था. तो फिर वो सब करते करते अचानक ऐसा कुछ हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि फादर के जो जॉब थी उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, तकरीबन कुछ महीनों के लिए, 1 साल के लिए वो एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्टॉप आ गया. और वहां पे शुरू हुआ कि मुझे बेसिक अपने लिए जो खर्चा है वो कहाँ से निकलेगा. मैं इन फादर को या पेरेंट्स को उनको नहीं बोल सकता हूँ बार बार क्योंकि घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है. तो वहां से मैंने छोटे छोटे जॉब्स करने शुरू किए, अलग अलग, बहुत छोटे, टेलरिंग शॉप में, स्टेशनरी के दुकान में. और वो सब करते करते वो मुझे, शायद मुझे लगता है कि अभी अब आज पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है वो मेरा बहुत बड़ा मेरा लर्निंग था. Yes. जो लाइफ का जो यूनिवर्सिटी जो होता है ना वो मेरे लिए वो साबित हुआ. तो वो जो एक्सपीरियंसेस थे लाइफ में, जो लोगों से मैंने शायद 16-17 साल 18 साल की उम्र में मैंने वो जो लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू किया और बहुत अक्सर मैं धक्के खाए, अक्सर बहुत सारी गलतियां की, अक्सर लोगों ने झाड़ा है ना. Yes. जो बॉसेस होते थे और वो सब, तो वो मेरे ख्याल से वो एक 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 प्रोसेस था, एक दौर था. और उसी बीच में मैं कहीं किसी एक दोस्त के साथ एक नाटक के रिहर्सल में गया और मुझे वो लोग बड़े एक्साइटिंग लगे कि एक स्क्रिप्ट है, रिटन स्क्रिप्ट है जिसको ये लोग याद करते हैं और फिर 1 महीने तक उस पर काम करते हैं और फिर वो पूरा शो करते हैं, जिसके अंदर मुझे नहीं आइडिया था कि ऐसा होता है. वो मुझे उस चीज ने बड़ा फैसिनेट किया और मैं जाने लगा वहां पे धीरे धीरे. एंड कई छोटा मोटा पार्ट किया एंड सब क्लिक हुआ कि हाँ ये एक चीज है जो कि, और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा तो मेरी जिंदगी में कुछ हो सकता है. सर्वाइव,
उस समय ये नहीं था कि कितना बड़ा बनना है क्या करना, उस समय सब कुछ जो जुड़ा हुआ था वो सर्वाइवल से जुड़ा हुआ था कि मैं अपने लिए बेसिक पैसा कैसे कमा सकता हूँ और मैं कैसे घर में सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं अपने फादर को कितना उनका बोझ कम कर सकता हूँ, ये था नजरिया। और ऐसे करते करते थिएटर करना शुरू किया रेगुलर, और उस थिएटर के दौरान लगा कि वहां पे भी पैसा नहीं बन रहा है, तो फिर दोबारा जॉब शुरू किए, अखबारों में फ्रीलांसिंग की। तो ऐसा टाइम गुजरा और उसके बीच में बैंडिट क्वीन हो गई, वो एक माइलस्टोन हो गया, उससे क्या एक्सपोजर मिला लोगों से, एक अलग किस्म के लोगों से मिलना हुआ। फिर सिद्धार्थ बसु हैं, उनका क्विजिंग का बहुत बड़ा सेटअप था, तो उसमें मैं जाके उनसे मैंने गुजारिश की, उनके साथ थोड़ा कुछ काम किया था, तो उनका पूरा सारा काम अंग्रेजी में होता था, तो मैंने वहां पे बोला कि मुझे तो मतलब कुछ करना है मुझे, क्योंकि थिएटर में मुझे पैसा नहीं आ रहा, मेरी खराब कंडीशन है। तो फिर वो बड़े अच्छे नेक इंसान थे, नेक इंसान है, और उनकी वाइफ, उन्होंने मेरे लिए जॉब क्रिएट किया कि जैसे उनके गेम शोज होते थे, तो उसमें गेम शोज में मैं ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करूंगा, मॉक क्विज करूंगा, तो वैसे वैसे चीजें हुई। इनफैक्ट वहां पे ही रहते हुए दिल्ली में तिहाड़ जेल है, वहां पे अंडर ट्रायल्स के साथ पहली बार क्विजिंग हुआ, जिसको मैंने होस्ट किया सिद्धार्थ बसु के लीडरशिप में। इनफैक्ट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है वो, दुनिया का पहला जेल क्विज है वो। तो वो हुआ, फिर उसके बाद कहीं से रास्ता घूमा और एड फिल्म मेकर थे प्रदीप सरकार, उनसे मिलना हो गया, उनके साथ काम किया, एडवर्टाइजिंग की दुनिया को समझा, एक टीवी 18 कंपनी बन रही थी वहां पर उस वक्त एंटरटेनमेंट में दिल्ली में, तो उसमें रेसी और राघव बहल के साथ काम किया। ऐसा करते करते धीरे धीरे ये सारे मेरे कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन थे, ये सारे मेंटर्स थे मेरे, कोच है मेरे, जिन्होंने मुझे अलग अलग टाइम पे कुछ कुछ सिखाया। एंड फिर उसके बाद बम्बई आ गया और हमेशा ये कोशिश की कि एक चीज समझ में आई थी कि एक्टिंग से घर नहीं चलेगा, सिर्फ एक्टिंग से तो साथ में कुछ कुछ करना होगा। तो लकीली वो एडवर्टाइजिंग का जो एक दुनिया थी उसमें मेरी एंट्री हो गई और एड फिल्म में असिस्ट करता था। फिर बॉम्बे आके मैंने एड फिल्म कंपनी शुरू की अपनी और साथ में जो बच्चे पार्ट्स मिले तो वो मैं वो रोल करने लगा। तो ऐसे है, मतलब ये बहुत क्योंकि इतना लंबा टाइम गुजर गया है ना, पहले ऐसा नहीं लगता था, पहले कभी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इसको ये वो बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए सर्वाइवल थी, मतलब किसी भी और इससे ज्यादा सर्वाइव करना, क्योंकि जो जिस 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 बैकग्राउंड से मैं हूँ वहां पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, बहुत ज्यादा विदेश में जाके पढ़ाई कर पाना या वो सब नहीं था मेरी दुनिया में, बेसिक्स में था। वो मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अच्छे टीचर्स मिलते गए और मैं इस जगह पर आ गया कि जहां पर मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा और जिंदगी चल गई ठीक ठाक। राइट, आई कैन रिलेट टू यू। मेरे को लगता है कि जब आप एक्टिंग करते हो टीवीएफ के बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हो, बधाईओ का कैरेक्टर सुमंगल, आई थिंक योर जो आपके एक्सपीरियंसेस है इट कम्स आउट इन यू, और जो कैरेक्टर्स है वो इतने रिलेटेबल होते क्योंकि लॉट ऑफ द बिग ऑडियंस इज फ्रॉम मिडिल क्लास। तो मैं लाइक आई कैन, दैट इज व्हाई आई कैन रिलेट टू यू। ऐसा लगता है कि दिस इज माई डैड हु इज टॉकिंग टू मी लाइक दैट। तो दैट इज आई टोटली बिलीव कि दोज वर ऑल थिंग्स लीडिंग अप टू यू, राइट? तो इट वॉज मोस्टली इट वॉज ड्रिफ्टिंग, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था कि इट वॉज प्लान्ड, कभी कुछ प्लानिंग के साथ कभी नहीं हुआ। अब पिछले कुछ सालों से हो रहा है, 5-10 साल से, पर शुरुआत का मेरा कुछ भी प्लानिंग के साथ नहीं था। वो सब कुछ एक अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे, मौका मिल रहे थे, बहुत सारे मिसफायर हो रहे थे, कुछ गड़बड़ हो रही थी, लेकिन लकी था कि मैं कहीं पे ऐसा दिमाग ने ऐसा मुझे साथ दिया कि मैं कुछ इंटेलिजेंट अच्छे लोगों के साथ जुड़ता चला गया, उनकी कंपनी राम है। Right. तो उससे बड़ा जैसे होता है ना कि आप किसी के साथ बात नहीं करते, जैसे सुधीर मिश्रा, उनके साथ मैंने हजार ख्वाहिशें ऐसे में मुझे एक पार्ट मिला था, छोटा पार्ट था लेकिन कुछ छह या सात दिन का इंटरेक्शन था उनके साथ। तो वो जो वो ब्रेक्स में जो बातें करते थे और जो अपने अपने किस्से शेयर करते थे या
किस फिल्म में क्या हुआ था, तो वो अपने आप में मेरे लिए एक चैप्टर्स होते थे लर्निंग के लिए. करेक्ट. यू स्टार्टेड योर फर्स्ट फिल्म, मतलब जो आपकी फर्स्ट फिल्म थी वो 1994 में थी, और अब भी यू नो यू केप्ट डूइंग इट. 2018 इज व्हेन यू गॉट दिस मैसिव हिट बदायो. इट्स 24 इयर्स. हाउ, मतलब क्या था आपके अंदर कि दैट केप्ट यू पुशिंग कि नहीं, आई एम गोइंग टू कीप डूइंग दिस. व्हाट वाज दैट thing in you ki I can't give up. Again, mere father ne bahut kharab bachpan guzra tha unka gaon mein. Bahut zyada muflisi thi, bahut garibi thi aur bahut takleef wale din unhone dekhe the. Chote chote kaam kiye the unhone bachpan se hi. Aur to unki kahaniyan sun ke main bada hua hu. To wo mujhe bada inspire karti thi cheeze. Matlab literally wo unki kahaniyan aisi thi ki unke paas ek wardi hoti thi school ki uniform, और नदी में जब पानी होता था बारिश के मौसम में, तो वो कपड़े उतार के किताबें ऐसे ऊपर रख के वो नदी पार करते थे. तो जब ये ऐसी चीजें आप सुनते हैं ना यूडी, तो फिर उसके बाद आपको भले ही आपके साथ ऐसे ऐसी चीजें ना हुई हो, आप अगर आप बैलेंस उसको करके देखें दिमाग को, तो आपके लिए सब कुछ प्लस में है. सब कुछ प्लस में है. जहां पर हो उससे आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं हो सकता कि आप निश्चिंत हो जाओ, आप बोलो कि अच्छा अब ये तो हो गया. अगर ऐसा होता तो फिर मैं दिल्ली में ही रह जाता. मैंने मुंबई आने के रीजन ये था कि मैं और आगे बढ़ना चाहता था, और अपनी अपने जो आर्ट है, अपना जो एडवर्टाइजिंग है एज ए फिल्म मेकर या एक्टर का जो मेरा काबिलियत है, वो मैं और लोगों को दिखाना चाहता था. इसीलिए अभी भी जैसे मैं जो स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ या जो मीटिंग्स होती है मेरी, उसके पीछे यही है. अदरवाइज तो मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूँ कि अच्छा हाँ मैंने ये बधाई हो मुझे मिल गया, अभी इससे अच्छा तो क्या मिलेगा. Right. ऐसा सोचता तो मुझे शुभ मंगल ज्यादा सावधान नहीं मिलती. करेक्ट. तो वो एक कॉन्स्टेंट, वो एक एफर्ट रहता है यूडी, कोशिश लगातार रहती है कि जो मिला है उसको अप्रिशिएट करना, उसको एंजॉय करना. Right. और के साथ साथ आप और एक्स्ट्रा क्या अचीव कर सकते हो, एक स्टेप और आगे क्या जा सकते हो, उसके बारे में सोचना. लेकिन हमेशा मैं हमेशा बिलीव करता हूं हड़बड़ी नहीं करना है, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए. राइट. टारगेट्स आपके ऐसे नहीं होने चाहिए कि ओवरनाइट कभी कुछ नहीं होता है. Correct. कि 6 महीने बाद कुछ हो जाएगा या साल भर बाद हो जाएगा. हमेशा थोड़ा सा दूर का टारगेट रखना लाइफ में बहुत अच्छा होता है. जिसको बोलते हैं ना कि धीमी आंच पे जब खाना पकता है, करेक्ट, वो ज्यादा टेस्टी होता है. ज्यादा जितने भी बड़े शेफ्स होते हैं, वो उसको कभी भी कोई भी ऐसा शेफ आपको नहीं दिखेगा जो कि हड़बड़ी में 3 मिनट में खाना बना के बोलेगा देखो ये है मास्टरपीस, इससे बेटर कुछ. करेक्ट. अंटिल आवर नेक्स्ट एपिसोड, कीप स्माइलिंग एंड कीप हसलिंग. यूडी का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you, sir. Thank you.